सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। जब परिस्थितियाँ बदलती है तो रणनीति बदलने से भी परहेज नहीं करना चाहिए। जीतने वाले कभी बहाने नहीं बनाते और बहाने बनाने वाले कभी नहीं जीतते। फूल कितना भी सुंदर हो, तारीफ उसके खुशबू से होगी। इंसान कितना भी बड़ा हो, इज्जत उसके गुणों से होगी। व्यक्ति तो अपने कामों से महान बनता है, न कि अपने जन्म से। आज का पंचांग 12 सितंबर 2024 दिन गुरुवार, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के नौमी तिथि, रात्रि 11:33 तक रहेगी। इसके उपरांत दशमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। मूल नामक नक्षत्र रात्रि 9:52 तक रहेगी। इसके उपरांत पूर्वाषाढ़ा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 1:54 से 3:26 तक रहेगा। आज का भी जीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:48 से 12:46 तक रहेगा। आज चंद्रमा धनु राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य सिंह राशि पर रहेंगे। धनु राशि 12 सितंबर 2024 दिन गुरुवार, अपने सहयोगी या पड़ोसी की समस्याओं का सामना करें। उनका संकट आपकी योजनाओं को प्रभावित कर सकता है। वेतन में वृद्धि या पदोन्नति परिवार और दोस्तों के साथ जश्न मनाने लायक है। खुद को थोड़ा विलासिता का उपहार दें, लेकिन उसकी अधिकता से बचें। आप आज बाहरी दुनिया के प्रति अति संवेदनशील रहेंगे। मनोदशा के बदलने के कारण किसी भी बात को गंभीरता से ना लें। अपने स्वास्थ्य का खास ख्याल रखें। संसार को आप सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ देखते हैं और सिर्फ यही वो मनोभाव है जो सच में मायने रखता है। इस समय ज्यादातर ग्रह आपको बहुत कुछ बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने अंदर अद्भुत आत्मविश्वास महसूस करेंगे, साथ ही आपकी कार्य क्षमता में भी वृद्धि आएगी। युवाओं को कोई मन मुताबिक उपलब्धि भी मिल सकती है। व्यर्थ चिंता और गलत लोगों पर विश्वास करना आपके लिए तकलीफ का कारण बन सकता है। बड़ा निवेश करना या बड़ा निर्णय लेना फिलहाल टालें। वर्तमान स्थिति को परख कर ही आगे बढ़ें। व्यक्तिगत जीवन में आ रहे बदलाव का असर काम पर ना हो, इस बात का ध्यान रखें। पार्टनर की बातों पर विश्वास करना कठिन महसूस होगा, पर स्थिति के अधिक जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करें। आप अपने आय को ध्यान में रखकर व्यय करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आपको कुछ नए कामों को करना बेहतर रहेगा। आप अपने सहकर्मियों से किसी मन की बात को लेकर बातचीत कर सकते हैं। आप किसी काम को लेकर जल्दबाजी ना दिखाएं और अपनी खान पान पर नियंत्रण रखें, नहीं तो आपको कोई पेट से संबंधित समस्या होने की संभावना है। आप अपनी दिनचर्या का पूरा ध्यान दें, काम पर अधिक ध्यान देंगे जिस कारण आप आराम के लिए भी समय नहीं निकाल पाएंगे। सावधानियां, खर्चों की अधिकता बनी रहेगी। इस समय कटौती करना संभव नहीं होगा। किसी भी अनजान व्यक्ति को अपने बारे में विशेष जानकारी ना दें, अन्यथा कोई आपको धोखा दे सकता है। विद्यार्थीगण पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान केंद्रित रखें, समय नष्ट ना करें। बात करते हैं लव लाइफ की। परिवार के साथ समय बिताकर और साथ भोजन करके आप एक दूसरे को अधिक जान पाएंगे। अपने साथी से सब कुछ शेयर करें और साथ ही अपनी कला से उसे इम्प्रेस करना ना भूलें। सहयोगियों और पड़ोसियों से अपने संबंधों को सुधारें ताकि मुसीबत में एक दूसरे की मदद कर सकें। आप बाहरी दुनिया के प्रति अति संवेदनशील हैं, इसीलिए मामलों को गंभीरता से लेने से बचें। किसी भी विषय को ऐसे ही ना छोड़ें जब तक आप पूरा संतुष्ट ना हों। सही रवैया उतना महत्वपूर्ण है जितना जीवन में प्रेम, इसीलिए आशावादी दृष्टिकोण अपनाएं। आपको अपने रूप रंग को बदलने की जरूरत है जो प्रेम संबंधों में तड़का लगा सकता है। बात करते हैं करियर की। आपके बढ़ते कदम आपको अपनी मंजिल की तरफ ले जा रहे हैं। बस खुद पर विश्वास रखें। अपनी कीमती सामान आभूषण धनिया परिवार को लेकर परेशान हो सकते हैं। लंबे समय पहले बनाई गई यात्रा की योजना को आज रद्द कर दें। व्यापार को लेकर अभी आप पूरी तरह से संतुष्ट हैं। आपके मूड में बदलाव और बिगड़ता स्वास्थ्य आपको परेशान कर सकता है। कार्यस्थल पर नई संभावनाएं आपकी प्रतीक्षा कर रही है।
अजनय कार्य करने या महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचें। समस्याओं को अवसरों में बदलने की जरूरत है। समस्याओं को अवसरों में बदलने की कोशिश करें और अपनी प्रतिस्पर्धियों पर नजर रखें। सही दृष्टिकोण की वजह से आप सकारात्मक सोच सकते हैं और आशावादी रह सकते हैं। बात करते हैं सेहत की। थकान और तनाव जैसा वातावरण रहेगा, योग और मेडिटेशन इसका उचित उपाय है। लो बीपी की परेशानी भी हो सकती है। आज का उपाय, आज आप चंदन का तिलक लगाएं, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।